नमस्कार, आप देख रहे हैं कलादर्पण न्यूज। मैं हूँ राशि। और मैं हूँ ऋषभ। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले खास सुर्खियों पर। ऋषिकेश में सरकारी बस अड्डे में बसें चलती हैं प्राइवेट। ऋषिकेश पुलिस ऑफिसर चक्रधर अंधारी ने कहा, महिला सुरक्षा पर रखते हैं पूरा ध्यान। संस्कृत के विद्यार्थियों को वैदिक ज्ञान का भी होना है जरूरी। आरंभ हुई अर्धकुंभ की तैयारी ऋषिकेश के त्रिवेणी गंगा घाट पर। भारतीय विद्या भवन के छात्र छात्राओं का स्टडी टूर पहुंचा ऋषिकेश। ऋषिकेश में सरकारी बसों को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों को प्राइवेट बसों में ज्यादा किराया देकर सफर करना पड़ता है और साथ ही स्कूली बच्चों को भी दिक्कतें हो रही हैं। ये नज़ारा है ऋषिकेश अंतर्राज्य बस अड्डे का, जहाँ पर बसें प्राइवेट चलती है मगर बस अड्डा सरकारी है। दरअसल ऋषिकेश में सरकारी बसों की सेवाएं लचर है। सरकारी बसों के समय पर ना आने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए लोगों को अपनी जेब ज़्यादा हल्की करनी पड़ती है। और स्कूली बच्चे भी सरकारी बसों की ढीली सेवा से परेशान हैं। हम लोग खड़े हैं अंतर्राज्य बस स्टेशन ऋषिकेश डिपो पर, जहां पर हमें एक नई समस्या देखने को मिली है। यहां के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है रोज़मर्रा में बसों के आने जाने की वजह से, क्योंकि यहां पर बसों की कमी बहुत ज़्यादा है। लोकल बसें ज़्यादा हैं बशर्ते गवर्नमेंट की बसों के। यहां के स्टूडेंट्स को यहां परेशानियां झेलनी पड़ती है। आइए उन लोगों से जानते हैं कि उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम हरिद्वार से आते हैं ऋषिकेश में पढ़ने के लिए, जहाँ पर हमारा कॉलेज है। हमें ये दिखता है, मतलब हमने ये नोटिस किया है यहाँ पर कि यहाँ पर प्राइवेट सर्विस अच्छी है गवर्नमेंट सर्विस से। बसेस बहुत लेट आती हैं गवर्नमेंट की जितनी भी बसेस होती हैं, और अभी भी हम यहाँ पर मतलब बस की वेट में ही खड़े रहते हैं और जो गवर्नमेंट की बस होती है वो एकदम से निकल जाती है, रुकती भी नहीं है। दरअसल अब हम यहाँ पे 4 बजे से खड़े हैं और बस अभी तक नहीं मिली हमें हरिद्वार की। और दूसरा, यहाँ का किराया बड़ा महंगा है प्राइवेट बस के मुकाबले। यहाँ का 35 है और वो लेते हैं 25 रुपये, तो इन्हें थोड़ी सुविधा देखनी चाहिए इसमें भी। तो देखा, जैसा कि आपने यहाँ पर कितनी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ के छात्रों को और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। कैमरामैन निखिल के साथ मैं कुलभूषण, कला दर्पण ऋषिकेश। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर ऋषिकेश पुलिस क्या क्या करती है और किस तरह से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती है, आइए देखते हैं इसी सिलसिले में एक खास रिपोर्ट। ऋषिकेश में कोई विशेष ऐसे अपराध नहीं है जो हीनियस क्राइम हो, छोट मोट चोरियाँ और बच्चों से संबंधित या महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं जिनको समय समय पे थाने के स्तर से निपटाया जाता है। कि घर वालों के अगेंस्ट चलना और प्रायः बच्चों के साथ जो छोटी लड़कियां हैं वो किसी बहकावे में आकर के कहीं चले जाना, इस तरीके की प्रवृत्तियां आती हैं। दूसरे, महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा से संबंधित मामले आते हैं जिनको प्रायः हमारे महिला डेस्क द्वारा आपसी समझा बुझा करके निपटाया जाता है। यदि नहीं मानते तो वो फिर मुकदमा दर्ज होकर के न्यायालय में चला जाता है। पता है कि जो बच्चों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, उनकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जाते हैं। और इसी के सर्किल में 3 थाने हैं, कोतवाली ऋषिकेश, थाना रायवाला, थाना रानी पोखरी। तो हमारे सर्किल में अगर किसी भी प्रकार की कोई अपराध या कोई घटना घटित होती है तो कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर सूचना आती है, या हमारे संबंधित थानों के नंबरों पर भी सूचना आती है, या संबंधित SHO SO या मेरे नंबर पर सूचना आती है, तो तत्काल हमारी जो PCR वैन होती है उसको भेज देते हैं, या थाने की गाड़ी चली जाती है, या हमारे चीता पुलिस जो मोटरसाइकिल में नियुक्त होते हैं वो तुरंत ही घटनास्थल पर या संबंधित मौके पर पहुँचते हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी गंगा घाट पर जनवरी 2016 में होने वाले महाअर्धकुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है, जिसके चलते यहां की साफ सफाई का कार्य भी चल रहा है। देवभूमि ऋषिकेश के त्रिवेणी गंगा घाट पर जल्द ही अर्धकुंभ की शुरुआत होने वाली है, इसी के चलते यहां साफ सफाई का कार्य जोरों पर है। साथ ही गंगा नदी को भी साफ किया जा रहा है। साल 2013 में बद्रीनाथ में आई बाढ़ के कारण नदी के बहाव में मलवा ऋषिकेश तक बहकर आ गया था, जिससे नदी के बहाव में कमी और गंदगी आ गई थी, इसलिए नदी से सारा मलवा हटाया जा रहा है।
ताकि साल 2016 में आयोजित अर्थ कुंभ मेले में आने वाले भक्तों को परेशानी ना हो। आपदा के दौरान ये जो मलबा इकट्ठा हो गया था उसको हटाने का काम पिछले एक महीने से जारी है। गंगा जी में स्नान करने वालों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो परेशानी होती थी, सबसे बड़ी परेशानी ये कि गंगा जी काफ़ी दूर चली जाती थी। कुछ पिछले वर्षों से हमारा प्रयास ये रहा कि श्रद्धालुओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को ये सुविधा मिल सके ताकि वो घाट पर रहकर आरामपूर्वक स्नान कर सकें, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। इसलिए गंगा सभा ने ये प्रयास किया है कि गंगा जी को घाट पर लाने का एक अच्छा सफल प्रयास रहा है। पिछले 3 साल से ये प्रयास जारी है कि जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको घाट पर ऐसा लगे कि वास्तव में हम ऋषिकेश में हैं, क्योंकि ऋषिकेश देवभूमि है। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के मन में होता है कि हमको वहाँ शांति प्राप्त होगी। 2016 में 15 जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ होने वाला है और देश के विदेश के लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, क्योंकि ऋषिकेश भी कुंभ क्षेत्र में हैं, लक्ष्मण झूला, राम झूला, नीलकंठ भी कुंभ क्षेत्र में हैं, तो यहाँ भारी मात्रा में लोग आएंगे। उनकी सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने भी बड़ा इतना लंबा प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि लोग स्नान कर सकें, ध्यान कर सकें, आराम से रात्रि अपना विश्राम कर सकें। ताकि महिलाओं को अक्सर क्या होता था कि कपड़े बदलने में उनके जो सोने चांदी के मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह गायब हो जाते थे, उसकी अक्सर शिकायत रहती थी, तो उस पर निश्चित रूप से इसमें कंट्रोल होगा। और जो महिलाएं नहीं बदलती हैं उनको प्रेरित किया जाएगा कि आप चेंज रूम में जाकर कपड़े बदलिए ताकि आपको किस तरह की परेशानी ना हो। पुलिस प्रशासन और जो मेला प्रशासन है वो वहाँ प्रयास कर ही रहा है। अक्सर क्या होता है, ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब हमारे अंदर एक उद्विग्न भावना पैदा हो जाती है, हम किसी अफवाह के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे अनावश्यक रूप से भागते हैं, तो उसी कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं। उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जगह जगह माइकों से लोगों को सचेत किया जाएगा ताकि लोग अपने सामान की और जो भी स्नान कर रहे हैं या आने जाने वाले हैं उनको सुगमता से आर पार किया जा सके। एक तरफ ऋषिकेश के त्रिवेणी गंगा घाट पर साफ सफाई का कार्य जोरों पर है और वहीं अगर आप शहर की दूसरी ओर देखें तो आपको गंदगी के अलावा शायद ही कुछ नजर आएगा। ऋषिकेश, जिसे देवों की नगरी कहा जाता है, जो स्वच्छ और स्वच्छता का अधिकार रखती है, वहां इतनी गंदगी होना चिंता का विषय है। यहां पर गंदगी के चलते खुले में मवेशियों का डेरा लगा हुआ है। स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियां होती हैं। कोई यहाँ जो है बाहर की कोई हेल्प नहीं है, शहर का सारा कूड़ा शहर के अंदर ही गिरता है, या तो चंद्रभागा नदी में या हरिद्वार रोड पर एक और बहुत बड़ा प्लॉट है उसमें, या और इधर उधर साइडों में ही बस गिरा जाता है। ये सिर्फ बरसातों में चलती है, लेकिन एक टाइम ऐसा था ये 12 महीने चलती थी। गंदगी के कारण बीमारी और प्रदूषण दोनों की समस्या का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसे विद्यालय के बारे में जो वैदिक ज्ञान और संस्कृत भाषा को इस आधुनिक युग में भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ऋषिकेश के जयराम संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत के साथ साथ वैदिक ज्ञान भी दिया जाता है और यह ऋषिकेश का इकलौता विद्यालय है जहाँ पर सभी शिक्षाएं दी जाती हैं। यहाँ पर वैदिक शिक्षा का गुणिक व्यवहार और संपूर्ण ज्ञान यहाँ के बच्चों को दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम खड़े हैं श्री जयराम संस्कृत महाविद्यालय में। यह ऐसा विद्यालय है जो संस्कृत की पढ़ाई पढ़ाता है बच्चों को और संस्कृत के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ के बच्चों को बताता है। साहित्य, व्याकरण, वेद और ऐसी हिंदी वगैरह। सबसे पहले हम घर से आए और कर्मकांड करते हैं, उसके बाद हमें एक एक कर्मकांड में पूजा वगैरह सिखाई जाती है और यहाँ पर दैनिक कार्य जो होते हैं हवन पूजा वगैरह, रुद्रा, यहाँ हर रोज रुद्राभिषेक, यहाँ आरतियाँ होती है शाम सुबह। और हमारे गुरुजी हैं जो हमें बहुत लगन से पढ़ाते हैं, नियम बहुत ही अच्छे हैं। सुबह 5 बजे हमारा गीता पाठ होता है, फिर हमारे उसके बाद हवन होता है, फिर शिवार्चन पूजा होती है शिवालय की, फिर हमारी प्रार्थना होती है, फिर हमारी कक्षाएँ चलती हैं। विद्यालय का पहले तो मैं बताऊँगा कि विद्यालय जो है, जो जयराम संस्कृत महाविद्यालय है, वो है श्री जयराम अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के अधीन और श्री जयराम अन्न क्षेत्र ट्रस्ट उसका संचालन करवाता है। ये स्थापित हुआ 1964 में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक हैं श्री ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने 1964 में इसमें इस विद्यालय की स्थापना की थी।
और अभी वर्तमान में जो इस विद्यालय के संचालक हैं वो संचालक हैं श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज। छात्राएं नहीं पढ़ती हैं, सिर्फ छात्र पढ़ते हैं, और वे छात्र पढ़ते हैं कि जो कि इस उसमें रुचि रखते हैं, संस्कृत भाषा में रुचि रखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो उत्तराखंड के होते हैं। हम भी पहले एप्लीकेशन लेते हैं, एप्लीकेशन में फिर टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट होता है, उसमें से उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके 45% संस्कृत विषय में 8वीं पास लेते। दिल्ली के भारतीय विद्या भवन के छात्र हर वर्ष ऋषिकेश स्टडी टूर पे जाते हैं, जहां वो 10 दिनों तक मीडिया की बारीकियों को सीखते हैं। दिल्ली के भारतीय विद्या भवन डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी स्टडीज के छात्र छात्राओं का स्टडी टूर पहुंचा ऋषिकेश के भारत भूमि गेस्ट हाउस पर, जहां पर यह सभी विद्यार्थी 10 दिन तक रहकर मीडिया की तकनीकी बारीकियों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं, और साथ ही 10 दिनों तक अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हैं, जैसे फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक वीडियो, न्यूज़पेपर, वीडियो मैगजीन इत्यादि। मैं ई ग्रुप से हूं और मेरे प्रोग्राम का नाम है, जो आज हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसका जो हम लोगों ने थीम क्रिएट किया है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और छोटा सा एक गाना मैं सुनाया था आपको सस्पेंस खत्म करने के लिए। रे 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 रे, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। अब जानते हैं मौसम का हाल, जुड़ते हैं हमारे सहयोगी रोमा के साथ। धन्यवाद राशि। ऋषिकेश में आज का न्यूनतम तापमान रहा 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस। देहरादून में आज का न्यूनतम तापमान रहा 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं बात करें तो पौड़ी गढ़वाल की, तो यहां का न्यूनतम तापमान रहा 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस। टिहरी गढ़वाल में भी आज का न्यूनतम तापमान रहा 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस। मौसम के समाचार में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए रुक करते स्टूडियो की ओर। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, देश भर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए कला दर्पण न्यूज। नमस्कार। Thank you.